मोतिहारी में आग लगने से दो परिवारों के घर जलकर बुरी तरह राख हो गई। आधा दर्जन अधिक मवेशियों की झुलसकर इसमें मौत भी हो गई। घटना सिकरहना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत सराठा गांव की है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो ये मोतिहारी की खबर आपको हम दिखा रहे, जहां पर अगलगी की घटना हुई है और इस अगलगी की घटना में दो परिवारों का घर जलकर बुरी तरह राख हो गया है। साथ ही साथ आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की झुलसकर इसमें दर्दनाक मौत भी हुई है। हालांकि इसमें नुकसान भी बताया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं धनंजय। धनंजय, मोतिहारी से खबर आई है जहां पर आग में झुलसकर दो परिवारों का घर बुरी तरह जलकर राख हो गया। जाना चाहेंगे क्या वजह सामने आ रही है? जी राकेश, ये रात्रि पहर में जो अगलगी की घटना हुई है, इसका मुख्य रीजन है ये बिजली के शॉर्ट सर्किट लगने के वजह से ये आगलगी की घटना हुई है, जिसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ है और लाखों लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। और इस पर आगलगी के बाद में वो अग्निशामक दस्ता के आने के पहले ही स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उसमें ये मवेशी वगैरह झुलस गए हैं और काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है। जी राकेश जी, धनंजय, चूंकि आधा दर्जन मवेशी इसमें झुलसने से उनकी मौत हुई है, क्या लोग भी इसके शिकार हुए हैं? क्या किसी तरह का कोई हताहत भी हुआ है वहां पर? अभी तक हताहत की कोई सूचना नहीं है, सिर्फ मवेशी के झुलसने और उनके मरने की खबर आई है। वैसे बीच बचाव के क्रम में जो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो आग पर काबू पाने की जो कोशिश की गई थी, उसमें दो चार लोगों के झुलसने की खबर है जी। बाकी एहतियात के तौर पर वहां पर अभी आग पर काबू पा लिया गया है। जी राकेश जी, धनंजय, चूंकि लाखों का नुकसान की जो खबर है, बात है, वो सामने आ रही है, क्या मुआवजे को लेकर किसी तरह का कोई ऐलान किया गया है पीड़ित परिवारों को लेकर? जी, स्थानीय स्तर पर ये ढाका क्षेत्र के, मोतिहारी के ढाका क्षेत्र की ये घटना है और यहाँ पे जो आगलगी की घटना हुई है उसके बाद में स्थानीय प्रशासन का जमावड़ा हुआ है वहाँ पे। अंचलाधिकारी और भी वरीय पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और वैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचकर और जो आगलगी से जो पीड़ित परिवार है उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। फिलहाल अभी किसी भी राशि और सहयोग का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वैसी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। जी राकेश, शुक्रिया धनंजय आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो मोतिहारी से यह खबर सामने, जहां पर दो परिवारों का घर बुरी तरह जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है किसका कारण था। हालांकि गर्मी में अमूमन इस तरह की जो घटनाएं देखी जाती है, जरूरत है लोगों को सतर्कता बरतने की।